Welcome to Eminence Classes. तो आज हम continue करने वाले हैं अपना 12th class का topic chemical kinetics. तो पिछले lecture में हमने पढ़ा representation of rate of reaction क्या होती है और rate of reaction क्या होता है, ठीक है? और average rate of reaction और instantaneous rate of reaction कैसे find out करते हैं. तो एक question है हमारे पास, तो इसको solve करके देख लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया. तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? द डिकम्पोजिशन ऑफ Na(N2O5) इन CCl4 एट 318 केल्विन हैज बीन स्टडीड बाय मॉनिटरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द सॉल्यूशन. इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 184 मिनट इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल पर लीटर. द रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. हमें एक इक्वेशन दी हुई है. Find the average rate of reaction. What is the rate of production of NO2 in this period? ठीक है? तो क्या दिया हुआ है हमें? NO2 की initial, N2O5 की initial concentration दी हुई है, उसकी final concentration भी दी हुई है, और हमें 184 मिनट time भी दिया हुआ है. तो अगर हम इसको solve करना चाहें, तो हमारे पास ये क्या है? N2O5 है 4 NO2 plus O2. तो हमें क्या दिया हुआ है कि टाइम जीरो था, जब इनिशियल था, तब हमारे पास N2O5 की कंसंट्रेशन कितनी थी? 2.33 मोल पर लीटर. ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, जब टाइम क्या हो गया? 184 मिनट जब हो गए हमारे पास, तो हमारी कंसंट्रेशन क्या है? कम हो गई. कितनी? 2.08 मोल पर लीटर. ठीक है? तो हमें क्या दिया हुआ है? N2O5 की, मतलब कि हमारे रिएक्टेंट की इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दोनों दी हुई है. T1 और T2 भी हमें दिया हुआ है. तो हमें पता है कि हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. हमारे पास रेट जो होता है क्या होता है? माइनस डी. अब ये क्या है? N2O5 है रिएक्टेंट, तो हम क्या करेंगे? N2O5 / dT. और यहाँ पे क्या था इसके आगे? 2 था, तो इसके आगे हमने क्या लगा? और ये क्या है? एवरेज रेट निकालना है. तो एवरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेल्टा. डी की जगह क्या यूज करते हैं हम एवरेज के लिए? डेल्टा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ज्यादा चेंज होता है. और यहाँ पे हमने जो हमारी जो स्टोइकोमेट्री थी उसको क्या लगा दिया? डिवाइड में लगा दिया. तो रेट का हमारे पास क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया. तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा रब कर देते हैं इसका, जिसका कोई यूज नहीं है. और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ तो हमें कंसेंट्रेशन ही दी हुई थी. तो क्या हो गया हमारे पास? रेट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा क्या हो गया? टी. ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है? -1/2 N2O5 की कंसेंट्रेशन क्या होगी हमारे पास? C2 - C1 डिवाइडेड बाय T2 - T1. इस टाइप से हुआ. ठीक है? तो हमारे पास क्या है? C2 क्या है? आफ्टर टाइम t हमारे पास C2 क्या है? 2.08. और C1 क्या है? 2.33, जो कि हमारे पास क्या होता है? टाइम जीरो पे होती है. ठीक है? और टाइम हमारे पास क्या है? आफ्टर टाइम क्या है हमारे पास? 184. और उससे पहले हमारे पास क्या था? जीरो. ठीक है? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 6.79 × 10⁴ -4 मोल पर मिनट. मिनट में क्यों आया? क्योंकि हमारे पास क्या था? 184 मिनट दिया हुआ था. तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई? रेट आ गया हमारे पास. ठीक है? और हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमारा एक जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया? सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब NO2, N2O5 तो हमारा क्या डीफॉर्म हो रहा है, N2O कितना, NO2 हमारा कितना प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमें पता है कि हमारे पास जो रेट है वो किसके इक्वल होती है? इसके भी इक्वल होती है. प्रोडक्ट के लिए हम इक्वल कर सकते हैं इसको. कैसे लिख सकते हैं रेट को? 1/4 डेल्टा NO2 / डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. रेट जो होता है हमारा रिएक्टेंट के इक्वल भी होता है और प्रोडक्ट के इक्वल भी होता है. ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या है? रेट की वैल्यू पता है. रेट की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की कि हमारे पास रेट क्या है? 6.79 है. तो यहाँ से हम रेट की वैल्यू पुट कर देंगे 6.79 × 10⁴ और ये जो हमारे पास क्या है? 1/4
डेल्टा एनओ टू बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो अब हमने निकालना है ये जो प्रोडक्शन है इसका, डेल्टा एनओ टू बाय डेल्टा टी निकालना है हमें। तो ये फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एनओ टू बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा, फोर मल्टीप्लाई 6.79 इनटू 10 टू पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.07 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनओ टू। तो कंसेंट्रेशन रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। और हमारे पास टाइम हमने किसमें लिया था, मिनट में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनओ टू। तो देखा हमने क्या किया, सबसे पहले हमें रिएक्शन दी हुई थी, हमें इनिशियल कंसेंट्रेशन दी हुई थी और फाइनल कंसेंट्रेशन दी हुई थी N2O5 की। तो वहां से हमने क्या फाइंड आउट किया, रेट निकाल लिया। पहले हमें पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट की फॉर्म में भी और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी। ये कल भी मैंने बोला था कि अगर आपको कंसेंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की दी हो चाहे प्रोडक्ट की दी हो, हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि हमने रेट ऑफ फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमारे पास C2 और C1 दोनों थे और T2 और T1 भी थे, ठीक है। तो यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लिया। और नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 कितना प्रोड्यूस होगा, तो NO2 का प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, R=1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा NO बाय डेल्टा टी जो था वो क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4.07 इंटू 10^-2 मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।